हिप्नोटिज्म की कार्य प्रणाली। हिप्नोटिज्म का प्रयोग दरअसल सभी लोगों पर होता है, लेकिन प्रयोग कराने के लिए अगर व्यक्ति का विरोध हो या असहकारी हो तो उसके ऊपर प्रयोग नहीं हो सकता। व्यक्ति को किसी भी आरामदायी आसन पर बिठा दे, उसे रिलैक्स होने के लिए कह दे। अगर आप दाहिने हाथ से हिप्नोटिज्म करते हैं तो बायां हाथ पीछे कमर के ऊपर यानी पीठ के निचले भाग पर मुट्ठी बंद करके रखें। प्रयोग के आरंभ में आप उस व्यक्ति पर कौन सा प्रयोग करने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं, कौन सा संदेश या सजेशंस देने वाले हैं आदि बातें पूरी तरह समझा दीजिए। आप हिप्नोटिज्म करते समय आपके शक्तिशाली नेत्र, शक्तिशाली मन और शक्तिशाली औरा या पोज इसका उपयोग करते हैं। इस तरह औरा या ओज के प्रवाह युक्त हाथों के उंगलियों से आप उस व्यक्ति पर अपने हाथों से उंगलियों से प्रयोग करना शुरू करें। औरा ये ओज का प्रवाह छोड़ने के लिए 9 इंच अंतर से पासेस करने चाहिए। आप अपनी आंखों से उसकी आंखों में देखें और उसको भी आपकी आंखों में देखने के लिए कहे। यह बात ध्यान में रखें कि व्यक्ति को कभी भी नींद नहीं आने देनी चाहिए, क्योंकि संदेश हमेशा कॉन्शियस जागृत माइंड को ही दिया जाता है और इसी में हिप्नोटिज्म की सफलता है। संदेश में आवाज को बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है।
इसलिए संदेश बिल्कुल धीरे धीरे और गूढ़ और गहरी आवाज में देनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ाना हो तो उसे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, इस प्रकार 3-4 बार कहे और बाद में सिर्फ आत्मविश्वास 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 इसी एक ही शब्द बार बार दोहराए यह प्रयोग साधारणतः 5 या 6 मिनट ही करें और दिन में 1 या 2 बार करें। व्यक्ति के आवश्यकता के अनुसार 1 हफ्ता या 2 हफ्ते तक प्रयोग जारी रखना चाहिए। उसी प्रकार रोगियों को अच्छा करने के लिए भी आप हिप्नोटिज्म का उपयोग कर सकते हैं। हिप्नोटिज्म में सावधानी। मिर्गी या फिट्स के रोगियों पर प्रयोग कभी न करें। पागल व्यक्ति के ऊपर प्रयोग न करें। बहुत छोटे बच्चों के ऊपर प्रयोग न करें। गंभीर रोगों में डॉक्टर की ही जरूरत होती है, इसलिए ऐसे रोगियों का हिप्नोथेरेपी से इलाज कभी भी करना नहीं चाहिए। उनका ऑटो सजेशन से खुद का इलाज करने की सलाह देनी चाहिए। हिप्नोटिस्ट ने किसी भी गंभीर समस्या में सावधानी से प्रयोग करने चाहिए। हिप्नोटिस्ट ने पहले ही व्यक्ति को यह कहना चाहिए कि देखो, मैं तुम्हें ट्रांस में नहीं डालना चाहता हूं, क्योंकि उसकी तुम्हारे इलाज के लिए जरूरत नहीं है, बल्कि जागृत अवस्था में ही संदेश या सजेशन दे रहा हूं। हिप्नोटिज्म के बारे में
अगर व्यक्ति के मन में कोई संदेह हो तो पहले उसको निकालना जरूरी है। ध्यान में रखें, हिप्नोटिज्म के प्रयोग मनोरंजन के लिए करना अलग बात है और ट्रीटमेंट के लिए करना अलग बात है। ट्रीटमेंट में बहुत बड़े अनुभव की जरूरत होती है, इसलिए ज्यादातर लोगों पर ऑटो सजेशन थेरेपी से ही इलाज करना चाहिए। ऑटो सजेशन का जो प्रोसीजर है या कार्य प्रणाली है वह साधारणतः हिप्नोटिज्म के जैसी ही है। लेकिन वह और भी हिप्नोटिज्म के प्रणाली से आसान है, इसलिए इसमें सफलता की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ऑटो सजेशन की प्रणाली में सफलता की जिम्मेदारी ऑटो सजेशन लेने वाले व्यक्ति पर ही आती है, इसलिए ज्यादातर हिप्नोटिस्ट ऑटो सजेशंस रिकमेंड करते हैं और ऑटो सजेशन का प्रयोग करने की सलाह देते हैं। ऑटो सजेशंस में व्यक्ति को एक जगह पर रिलैक्स अवस्था में बैठना या बिछाने पर लेटना चाहिए और शांत अवस्था में स्वयं सूचना आरंभ करनी चाहिए। जैसा कि मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है या मैं इस खेल में अवश्य सफल हो जाऊंगा या मैं इस कार्य में जरूर सफलता प्राप्त करूंगी। ऑटो सजेशन में निगेटिव बोध करने वाले शब्दों का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए, जैसा कि मुझे क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि इसमें क्रोध शब्द स्वयं ही निगेटिव विचार का बोध करने वाला है, इसलिए इसके अलावा मैं हमेशा शांत रहूंगा यह पॉजिटिव वाक्य का उपयोग करना चाहिए। दरअसल ऑटो सजेशंस
का उपयोग सभी क्षेत्रों में फलदायी होता है। यह प्रणाली आसान होने से किसी भी व्यक्ति को यह प्रणाली सहज साध्य हो सकती है। किसी विद्यार्थी को अपने पाठ या लेसन्स याद नहीं रहते, कोई लड़की स्टेज पर आने में संकोच करती है या उसे किसी बात का डर लगता है, किसी व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी है, वह कोई भी निर्णय नहीं ले सकता, किसी व्यक्ति को बुरी आदत है, शराब का व्यसन है, सिगरेट का व्यसन है और उससे वह छुटकारा पाना चाहता है, तो इसलिए इसी प्रकार की सभी अवस्थाओं में ऑटो सजेशंस का बहुत ही फायदा होता है। टेलीपैथी, अपने विचार या संदेशों को दूसरों के मन में भेजने की जो प्रणाली है उसे टेलीपैथी कहते हैं। हम देखते हैं कि कभी कभी जब हम किसी की याद करते हैं तो वह व्यक्ति हमें मिलता है या उसका फोन तो भी आता है। यह सचमुच टेलीपैथी का एक अनुभव है। टेलीपैथी में तीन प्रकार इस्तेमाल किए जाते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं, टेक्निक और मिरर टेक्निक। सभी प्रकार के प्रयोग में व्यक्ति की जान पहचान आवश्यक होती है। जिस व्यक्ति के ऊपर प्रयोग करना है वह व्यक्ति हमें पहचानता है और हम भी उसे पहचानते हैं, ऐसी अवस्था में ही प्रयोग सफल हो सकता है। फोटो टेक्निक, व्यक्ति का सिंगल यानी अकेले का ही फोटो चाहिए। ग्रुप फोटो का प्रयोग के लिए उपयोग न करें। फोटो का टेबल पर किसी सपोर्ट से रखना जरूरी है और फोटो के सामने बैठकर संदेश देना आरंभ करें। जैसा कि अशोक, तुम मुझे 2 दिन में आकर मिलो या मुझे फोन करो या किसी को तुम संदेश में स्वयं को सहकार्य करने के लिए सूचित कर सकते हैं।
विजुलाइजेशन का मतलब है अपने मन में चित्र खड़ा करना। जिस व्यक्ति को संदेश भेजना है उसका चित्र आंखें बंद करके अपने मन के पर्दे के ऊपर लाकर उसको संदेश दे सकते हैं। इस प्रकार विजुलाइज करके उस व्यक्ति का चित्र देखकर उसको संदेश देने से उस दूर पर के व्यक्ति का माइंड एक्टिवेट होता है। मिरर टेक्निक में मिरर के सामने बैठकर 15 या 20 सेकंड के बाद आंखें बंद कर दें और मिरर में संदेश ग्रहण करने वाला दूसरा व्यक्ति आपके सामने मिरर में बैठा है ऐसा पिक्चर चित्र आंखों के सामने देखना शुरू करें और उसे संदेश देना आरंभ करें। यह प्रयोग सिर्फ 5 मिनट ही करें दिन में।